बी एड बैचलर ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बी एड सेकेंड ईयर के अंदर नॉलेज एंड कैरिकुलम सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक 11th D करा रहा हूँ। इसके अंदर आज मैं आपको बताऊँगा एजुकेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म के बारे में। क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ए एजुकेशनल प्रिंसिपल्स इन प्रैग्मेटिज्म, या वो दूसरे तरीके से ऐसे भी बोल सकता है, प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन इन प्रैग्मेटिज्म 4 नंबर के अंदर पूछ सकता है, और 16 नंबर के अंदर कुछ इस प्रकार पूछेगा। क्वेश्चन, व्हाट इज प्रैग्मेटिज्म, एक्सप्लेन द एजुकेशनल प्रिंसिपल्स इन प्रैग्मेटिज्म। एजुकेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म, इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म एजुकेशन इज बेस्ड ऑन सोसाइटी। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का आधार समाज है। दे इम्फेथाइजिज ऑन सोशल एंड फिजिकल इन्वायरमेंट, यह सामाजिक और भौतिक वातावरण पर जोर देते हैं। देखिए, जो प्रयोजनवादी लोग थे ना, उनका तो जो पूरा का पूरा दृष्टिकोण था वो ही क्या है, सामाजिक था। इन्होंने क्या है, समाजवाद की बात करी है, मानवतावाद की बात करी है। इन्होंने क्या है, सेंसिबल बातें करी हैं, लॉजिकल बातें करी हैं। इन्होंने क्या है, प्रैक्टिकलिटी पे जोर दिया है। इन्होंने क्या है, लॉजिकल बातों पर ज्यादा जोर दिया है। इन्होंने क्या है, एक्शन पर जोर दिया है। पढ़ लेते हैं आगे। सेकंड पॉइंट है, प्रैग्मेटिज्म फोकस ऑन और इम्फेथाइजिस ऑन चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, ठीक है। प्रयोजनवाद शिशु केंद्रित शिक्षा पर जोर देता है, बिल्कुल सही बात है। अकॉर्डिंग टू देम एजुकेशन शुड बी गिवन अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन एंड नीड्स ऑफ रियल लाइफ, इसके अनुसार शिक्षा वास्तविक जीवन की स्थितियों के अनुसार दी जानी चाहिए। देखिए, इसके अंदर ये कहा गया है, एक तो क्या है, हमें बच्चों को चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन देनी है, हमें क्या है, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन नहीं देनी है। प्लस बच्चों को हमें ऐसी एजुकेशन देनी है जो उनकी रियल लाइफ में काम आए। हमें उन्हें क्या है, ज्यादा किताबी नॉलेज नहीं देनी है, हमें क्या है, ऐसी एजुकेशन देनी है जो उनकी रियल लाइफ में काम आए। अगर रियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है, वहां पर वो एजुकेशन काम आए, ऐसी एजुकेशन बच्चों को देनी है। इसके अंदर थर्ड पॉइंट है, प्रैग्मेटिज्म गिव मोर इम्फेथाइजिस ऑन एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपीरियंस। प्रयोजनवाद प्रयोग और अनुभव पर जोर देता है, बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये लोग कहते हैं कि इंसान को हमेशा क्या है, अपने हाथ पैर चलाते रहना चाहिए, कोई ना कोई काम करते रहना चाहिए। ये लोग कहते हैं जब हम काम करेंगे तो उस काम करने से क्या है, हमें अनुभव मिलेगा। एजुकेशनल प्रिंसिपल के अंदर फोर्थ पॉइंट है, प्रैग्मेटिज्म बिलीव इन पॉजिटिव एजुकेशन, एजुकेशन बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन। प्रयोजनवाद सकारात्मक शिक्षा, प्रयोग और अनुभव पर आधारित शिक्षा में विश्वास करता है। देखिए, ये लोग ये बोलते थे कि हमें बच्चों को ना ऐसी एजुकेशन देनी है जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट करें हमारे बच्चे, जैसे कि साइंस हो गया। प्लस क्या है, हमें बच्चों को ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, उन सब्जेक्ट के अंदर क्या है, बच्चे कुछ एक्टिविटीज करें, और उन एक्टिविटीज के थ्रू क्या है, बच्चे कुछ सीखें, कुछ एक्सपीरियंस करें। प्लस इन्होंने क्या है, पॉजिटिव एजुकेशन की बात करी है। यहां पर पॉजिटिव एजुकेशन को बोलते हैं सकारात्मक शिक्षा। देखिए, जब मैंने आपको नेचुरलिज्म के बारे में पढ़ाया था, वहां पर मैंने आपको काफी अच्छे तरीके से समझाया था कि पॉजिटिव एजुकेशन क्या होती है, नेगेटिव एजुकेशन क्या होती है। जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी है उन्हें तो पता है क्या होती है, लेकिन कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं जो सिर्फ, जिनका सिर्फ एक ही मोटिव है, किसी तरीके से नोट्स मिल जाए, वीडियो पूरी नहीं देखते, तो यहां पर उन बच्चों का नुकसान हो जाएगा। अब ये आपकी ड्यूटी है वो वाली वीडियो देखना और वहां से समझना कि पॉजिटिव एजुकेशन क्या होता है। इसके अंदर फिफ्थ पॉइंट है, इट इम्फेथाइजिज ऑन रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम ऑफ स्टूडेंट्स। प्रयोजनवाद बालक की सीमित स्वतंत्रता पर अधिक जोर देता है। देखिए, ये लोग क्या है, बच्चों को बिल्कुल फ्री नहीं छोड़ देते। ये क्या है, बच्चों पर पनिशमेंट वगैरह तो नहीं लगाते, लेकिन क्या है, उन पर थोड़ी बहुत रोक जरूर लगा के रखते हैं। ये क्या है, बच्चों पर नजर रखते हैं, कहीं बच्चा कुछ गलत तो नहीं कर रहा। सिक्स्थ पॉइंट है, प्रयोजनवाद बालक की
पूर्ण जीवन की शिक्षा पर जोर देता है। मतलब ये लोग ये कहते हैं कि हमें बच्चों को क्या है वो सभी चीजें पढ़ा देनी चाहिए जो उनकी पूरी जिंदगी के अंदर काम आने वाली है। हमें क्या है बच्चों को उसके जीवन की पूरी शिक्षा दे देनी है। इसके अंदर 7th पॉइंट है, प्रैग्मेटिज्म बिलीव इन प्रोग्रेसिव एंड डायनामिक एजुकेशन, नॉट इन यूनिवर्सल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन। देखिए प्रयोजनवादी लोग थे वो क्या है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में विश्वास रखते थे, डायनामिक एजुकेशन में विश्वास रखते थे। देखिए ये क्या है किसी भी तरह की फिक्स्ड एजुकेशन पे नहीं चलते थे, प्री डिटरमाइंड एजुकेशन पे नहीं चलते थे। ये क्या है चेंज में विश्वास रखते थे, बदलाव में विश्वास रखते थे। ये लोग ये कहते थे जैसे जैसे सोसाइटी के अंदर चेंज आ रहा है वैसे वैसे क्या है हमारी एजुकेशन के अंदर भी चेंज आना चाहिए। मतलब समय के साथ साथ क्या है चेंज आना जरूरी है एजुकेशन के अंदर भी। देखिए ये लोग क्या है ना यूनिवर्सल एजुकेशन में विश्वास रखते थे ना ये स्पिरिचुअल एजुकेशन में विश्वास रखते थे, मतलब आध्यात्मिक शिक्षा में ये लोग विश्वास नहीं रखते थे। इसके अंदर 8th पॉइंट है, प्रैग्मेटिज्म लेस स्ट्रेस ऑन लर्निंग बाय डूइंग एंड लर्निंग थ्रू सेल्फ एक्सपीरियंस। देखिए जो प्रयोजनवाद था वो क्या था करके सीखने पर विश्वास रखता था। मतलब ये इस बात पे जोर भी देते थे कि हर इंसान को क्या है कुछ ना कुछ करके सीखना चाहिए। प्लस ये लोग ये कहते थे कि हमें अपने अनुभवों के द्वारा सीखना चाहिए, मतलब लर्निंग थ्रू सेल्फ एक्सपीरियंस के ऊपर भी ये लोग जोर देते थे। 9th पॉइंट है, देखिए ये लोग ये कहते थे कि इंसान को क्या है हमेशा कोई ना कोई क्रिया करते रहना चाहिए, किसी को भी खाली नहीं बैठना चाहिए। 9th पॉइंट है, दे बिलीव डैट सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज। देखिए ये लोग भी ये मानते थे कि इंसान क्या है अपनी इंद्रियों के द्वारा ज्यादा ज्ञान ग्रहण करता है, मतलब देख कर सुनकर महसूस कर कर ज्यादा ज्ञान प्राप्त करता है। इसके अंदर 10th पॉइंट है, प्रैग्मेटिस्ट टेक केयर ऑफ बोर्न पावर इंटरेस्ट इंक्लिनेशन एंड एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, देखिए जब ये लोग पढ़ाते हैं या किसी को एजुकेशन देते हैं तो उस टाइम क्या है उसका इंटरेस्ट किस तरफ है, उसकी एबिलिटी कितनी है, मतलब उसकी क्षमताएं कितनी है, उसका झुकाव किस तरफ है, उसकी बोर्न पावर कितनी है, इन बातों का खास ध्यान रखते हैं और फिर एजुकेशन देते हैं। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आपको ये 10 के 10 एजुकेशनल प्रिंसिपल जरूर समझ आए होंगे। अगर इन प्रिंसिपल में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।